हमेशा यही फोकस थे कि अपना काम करते रहने, कर्म ही पूजा है। ये बात मेरे दिमाग में बहुत पहले मेरे टीचरों ने डाल दिया था कि कर्म ही पूजा है, और मैं हमेशा फोकस रहा, निरंतर लगातार हमेशा 15 सालों से थिएटर कर रहा था और बाकी जो भी है पटना दूरदर्शन और ये सब करते रहा। और फिर धीरे धीरे आज पंचायत मिली, और पंचायत मिलने के बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खुल गया मुझे, थोड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। खुल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें खाकी, पंचायत और भी कई सुपरहिट वेब सीरीजों में अपने एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले, और पंचायत वेब सीरीज में माधव का रोल अदा करने वाले बिहार के नवादा के रहने वाले बोलू जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि नवादा की गलियों से निकलकर मुंबई माया नगरी तक ये पहुंचे हैं, वहां तक का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके दर्शकों को भी स्वागत है और आपका भी धन्यवाद, दर्शकों को भी धन्यवाद। नवादा की गलियों से आप निकले हैं, माया नगरी तक पहुँचे हैं, कितना मतलब स्ट्रगल कितना रहा? बहुत बहुत मज़ेदार रहा, इसलिए मज़ेदार रहा क्योंकि जब तक हर्डल नहीं हो तब तक कुछ करने का क्या मज़ा है। जब तक कुछ समस्या नहीं हो, और ये आते रहता है, जब भी आप कुछ बड़ा चाहते हैं ना, कुछ दूर आपका मंजिल हो ना, तो बहुत सारे आते रहते हैं ये सब, तो आते रहा और वो चलते रहे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, वही किया। हमेशा यही फोकस थे कि अपना काम करते रहने, कर्म ही पूजा है। ये बात मेरे दिमाग में बहुत पहले मेरे टीचरों ने डाल दिया था कि कर्म ही पूजा है, और मैं हमेशा फोकस रहा, निरंतर लगातार हमेशा 15 सालों से थिएटर कर रहा था और बाकी जो भी है पटना दूरदर्शन और ये सब करते रहा। और फिर धीरे धीरे आज पंचायत मिली, और पंचायत मिलने के बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खुल गया मुझे, थोड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, इतना दूर तक का आपने सफ़र तय किया है, कहीं पे ऐसा भी हुआ होगा कि जब मन करता होगा कि अब रुक जाए, थक गए हैं, ऐसा भी लगा? हाँ, होते रहता था। जब भी कभी पैसे की दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, तो जैसे बाकी लोग परेशान होते वैसे ही हम भी परेशान होते थे, नॉर्मल सी बात थी। लेकिन उस समय स्थिर रहना होता है, और वो ऊपर वाले की दया से मैं स्थिर रहा, और फिर समय को गुजरने दिया, वो जो कठिन समय होता है गुजरने दिया, और फिर सब धीरे धीरे ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हुआ। अच्छा, खाकी वेब सीरीज में आपका क्या कुछ रोल था? खाकी वेब सीरीज में हम कसार थाना में SHO थे जी, जहाँ अभिमन्यु जी का कैरेक्टर है, वो आकर के ज्वाइन करते हैं नए नए, तो उसके इंट्रो सीन था, मतलब एक कह सकते हैं कि अभिमन्यु जी का एस्टेब्लिशमेंट सीन था जी। तो उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था, वो वायरल भी था, वो कि वो बोलता है कि एक FIR लिखवाना था, हमको धमकी दिया है मर्डर करने का। अच्छा, मर्डर कर देगा, तो उसमें बोलते हैं कि धमकी पर, थोड़ा एक्टिंग के बाद में बोलिए, हाँ, किस तरीके से आप रियल लाइफ में थे वैसे? धमकी पर FIR कौन लिखाता है जी, नेता इतना भी ज्ञान नहीं है, जाइए मर्डर हो जाएगा तब आइएगा। मटन का भी कुछ रेट वगैरह उससे पूछा जाता है? हाँ, मटन के बारे में अभिमन्यु जी पूछते हैं कि कैसा है मटन यहाँ, तो बोलते हैं हम लोग तो थाना वाले लोग हैं, हम लोग को तो वही भेज देते हैं, चंदन महतो ही भेज देते हैं मटन, तो हम लोग का रेट वेट कहाँ पता, जब मन हुआ मछली मुर्गा आ जाता है। तो बोलते भी हैं कि क्या थाना में पालने लगे हो क्या खस्सी बकरी? बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग को रेट पता ही नहीं चलता, चूँकि वहीं से फ्री में आ जाता है, यहाँ तक कि गाड़ी में पेट्रोल भी वहीं भरा जाता है, पेट्रोल पंप पर। अच्छा, पंचायत जो वेब सीरीज़ था, जो कि काफ़ी सुपरहिट वेब सीरीज रहा, उसमें क्या कुछ आपका रोल था? उसमें मेरा करेक्टर है उस गांव का एक बकरी चराने वाला है। अच्छा, तो बकरी चराने वाला ये माधव जो है, तो और उसको किसी कारणवश ज़रूरत पड़ता है, पंचायत ऑफिस जाता है, उसकी बकरी खो जाती है, तो वो जाता है पूछने के लिए, तो याद आता है उसको कि कैमरा लगा हुआ है पंचायत ऑफिस में, तो मॉनिटर पे बोलता है हम कैमरा में देख लेते कि मेरी बकरी कहाँ गई है जी। पहले तो सचिव जी झुंझलाते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा जा जा दिखा दे, फिर देखते हैं उसमें, फिर बकरी हमको कैमरे में मिल जाती है, फिर आगे का सीज़न आता है सीज़न 3, जिसमें मेरे कैरेक्टर को फिर स्क्रीन टाइम बढ़ाया जाता है, और फिर नया कैरेक्टर, वो सेम कैरेक्टर को बढ़िया। अच्छा, पंचायत वेब सीरीज में एक देख रहे हो ना विनोद, हाँ, काफ़ी पॉपुलर है, हाँ। आप उस वेब सीरीज में काम किए हैं, वो थोड़ा डायलॉग मेरे दर्शकों को सुनाइए आप। वो डायलॉग तो उनका है, दुर्गेश जी का है, देख रहे हो विनोद,
तो इसमें मैं क्या सुनाऊँ, देख रहे हो रोहित जी, देख रहे हैं रोहित जी कैसे इंटरव्यू हो रहा है जी, अब कैसे आप मुस्कुरा मुस्कुरा के इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा अब सवाल मेरा ये होगा कि जब आप नवादा की गलियों से निकले, आप जब मुंबई गए तो आपको पता था कि नवादा की गलियों से निकलने वाला एक बुलू जी को कभी लोग माधव के नाम से जानेंगे और इतनी बड़ी पहचान मिलेगी? नहीं, ये तो नहीं मालूम था कि माधव के रूप में और पंचायत में हम कैरेक्टर करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो ज़रूर विश्वास था कि करियर में तो कुछ होना है, कुछ तो होना है, इसीलिए इसी उम्मीद था, उम्मीद थी। नहीं उम्मीद रहेगा तो आदमी कैसे कंटिन्यू कैसे करेगा जी। तो चूँकि जो रिस्पांस मिलते थे मुझे पटना थिएटर में, बहुत सारे लोगों ने सिखाया बताया समझाया, तो जो रिस्पांस मिलता था एक्टिंग करने के बाद, तो ये अंदर से फील होता था कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। और बोलते भी थे जो सीनियर लोग आते थे, पंकज त्रिपाठी भी आते थे, विनीत भैया भी आते थे, तो बताते थे, रिहर्सल विहर्सल में भी आते थे, तो वो लोग भी बूस्ट करते थे, बोलते तुम अच्छे एक्टर हो, टेंशन मत लो, मुंबई जाओ। तो हम कोशिश किए और करते रहे मुंबई में, और ठीक है, मुकाम हासिल हुआ। हाँ, एक मुकाम तो हासिल हुआ है, आगे मंजिल अभी बहुत दूर है। अभी आगे अब आने वाली आपकी कौन कौन सी वेब सीरीज होगी? अभी एक वेब सीरीज है सरपंच साहब नाम से, एमपी बैकग्राउंड है वो उसका, और एक फिल्म है वृंदावन, और एक फिल्म है इन द नेम ऑफ फायर स्वाहा, एक फिल्म है तरेंगन। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी आएंगे, शूट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन भी हो चुका है, एक का बाकी है, बाकी सब हो चुके हैं। अच्छा, अब जब आपको लोग अब माधव जी के नाम से जानने लगे हैं, तो गांव में भी लोग आपको माधव ही बुलाते हैं या फिर बुल्लू जी बोलते हैं? नहीं, गांव में तो वही बुलाते हैं जो कि पहले बुलाते थे, और वैसे ही बुलाते हैं जैसे पहले बुलाते थे। ये अच्छा लगता है गाँव में जा कर के मुझे, कि गाँव में लोग मुझे फील नहीं होता है कि मैं एक्टर हूँ, तो गांव के लोग फील नहीं होने देते? नहीं फील होने देते हैं, वो फ़ोन करते हैं कभी कभी जब बाहर होते हैं, उनका कहीं चर्चा होती है पंचायत की, तो वो फ़ोन करके वीडियो कॉल करके मुझे दिखाते हैं कि ये, तो वो करते हैं, लेकिन गांव में नॉर्मल फील होता है, मज़ा आता है, नॉर्मल फील होता है। हाँ। अच्छा, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, इतने दूर तक का सफ़र किए हैं, आप माया नगरी में पहुँचे हैं, कभी वैसा आपको लगा भी कि बिहार को लेकर कुछ मतलब? अभी तक तो नहीं लगा है, और उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा कि मैं बिहार से हूं, तो क्या है उसमें, लोग बिहार से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र हैं, लोग तो अलग अलग स्टेट से ही होंगे ना, एक ही जगह से सब लोग कैसे होंगे, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और बिहारी होने के नाते क्या कहीं कुछ नहीं हो, अभी तक तो नहीं फील हुआ है, पता नहीं बाद में फील हो तो नहीं कह सकते, अभी तक तो नहीं हुआ। चलिए देखिए, मेरे साथ पंचायत वेब सीरीज के माधव और बिहार के नवादा के रहने वाले बुलू जी मेरे साथ मौजूद थे, और क्या कुछ इनका आगे आने वाला वेब सीरीज है, इन्होंने अपनी तमाम चीज़ों की जानकारी दी है, और ये कैसे नवादा की गलियों से निकलकर माया नगरी तक पहुंचते हैं, और कैसे बुलू जी से माधव बनते हैं, तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।